मैं डॉक्टर धरीराम, असिस्टेंट प्रोफेसर रामदास कॉलेज, प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी एशिया टीचर एसोसिएशन, मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी टू सेव रिजर्वेशन। सर, ये जो अभी आप ये जिसकी मांग करें, जो 5 तारीख का जो लेटर आया है, उस लेटर ने आपको ऐसा झकझोर दिया है कि आप उठ नहीं पा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन ये, देखिए आपको मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझाऊं, ये इतना खतरनाक है कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकता हूँ, जिससे कि जो लोग इसको सुने उसको पता चले। जैसे आप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एग्जाम्पल लें, अब ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाइज लागू होगा, तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में केवल 2 सब्जेक्ट हैं, एक कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है। अब वो क्या करेंगे इसको कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, अब इतने डिपार्टमेंट बना देंगे कि एक भी सीट नहीं निकलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में बताइए, हमारा आरक्षण, जिसको आरक्षण कहते हैं वो है ही नहीं। हमारा नंबर एक तो वो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। आप उसे आरक्षण नहीं मांगते। आपकी जानकारी के लिए, भारत के संविधान में जो 335 जो आर्टिकल है, 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिटिकल था जो 10 ईयर्स के था, ये 15-4 और 16-4 में ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। धनीराम जी, जो ये आपका जो सर्विस वाला जो रोस्टर था, शायद 22 जुलाई 1997 के करीब था, क्या ये पूरा कर चुके थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 2 जुलाई 1997 से लागू हुआ था। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमर्स में मैं पहला बनता हूं। और आपको भी जानकारी दे दूं, मैं एडमिशन में मेरे ही से शुरुआत हुआ, जो एम्बुलर पीएचडी में यहाँ एडमिशन देना शुरू किया। एचएस खालसा साहब थे, उन्होंने कमेटी बनाई, इसके बाद यहाँ पे SC ST को एम्बुलर पीएचडी में एडमिशन मिल रहा है, इससे पहले कोई भी नहीं मिल रहा था। जो सर ये पोस्टर, जो पोस्ट वाइज जो प्रमोशन वाला जो मामला है, जो रोस्टर है, इसका क्या मामला है? देखिए, दो तरह का होता है, एक होता है वैकेंसी बेस्ड और एक होता है पोस्ट बेस्ड। तो अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बड़ा खतरनाक है 5 तारीख का, ये इसमें एक और कर रहे हैं कि वैकेंसी वाइज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 3 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी हैं, तो भी कोई SC ST को नहीं जाएगी। तो हमारा जो DOPT का क्या है कि पोस्ट बेस्ड है, यानी जितना आपने 2 जुलाई 1997 से लेकर के आज तक की जो टोटल स्ट्रेंथ है उस पर कैलकुलेशन होगा। ये क्या करते हैं कि जी आज कितनी वैकेंसी है उस पर देते हैं। तो ये कुल मिला करके हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसीलिए हम यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि ये खतरनाक जो इन्होंने लेटर भेजा, ये वापस हो। धनीराम जी, एक घाव ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा घाव कर दिया जाता है। 5 मार्च का आपका वो लेटर था, फिर उसके बाद मेट्रो सिटी का भी मैटर आ गया कि वो दिन पर दिन ये आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है? भाई देखिए, ये उनके हाथ में पावर है तो वो टॉर्चर करेंगे, सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आपको बता दूं, SC ST OBC जग चुका है, वो जागरूक है। आप देखना, ये वापस भी होगा। और आपने देखा कि SC ST OBC उत्तर प्रदेश सब एक हो गए, आगे आने वाले समय में इनको सरकार से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसमें नहीं सर, 2 तारीख का जो 2 अप्रैल को भारत बंद था, तो पूरे भारत बंद के अंदर ना तो कोई बैनर था, ना कोई झंडा था, सभी लोग इकट्ठे। देखिए, ये आपको समझ, आप पत्रकार हैं, समझना चाहिए, ये एक नेचुरल रोष था लोगों के अंदर। आप लगा लो हिसाब कि बिना किसी झंडा बैनर के इतना हो सकता है, तो झंडा बैनर के अगर हो जाए तो कितना बड़ा होता। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो पढ़े लिखे हैं SC ST OBC, आज उनको पता चल रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं, इसीलिए वो अपनी मांगों को लेकर के सबके सामने आते रहे कि भाई हमारा हक दीजिए। सर, अभी एक सेमिनार था, उसके अंदर ऐसे ही एट्रोसिटी के मैटर को एक मोमडन बोल रहे थे कि 14 अप्रैल को हम समस्त मुस्लिम जाति के लोग बाबा साहब के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और बहुत तादाद के अंदर हम बिरयानी बना के लाएंगे और पार्लियामेंट पे खिलाएंगे। देखिए, वो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वो विश्व विभूति है, उनके जन्मदिन को पूरा विश्व मनाता है। अब ये तो जो लोग कर रहे हैं, जैसे मतलब क्या कर रहे हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा।
लेकिन उनके समान आज मैं खड़ा हूँ जो पहने हुआ हूँ, ये बाबा साहब की देन है, नहीं तो मुझे कोई नहीं पूछता। मैं कहीं खेत में कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा होता, जो पहने हुआ हूँ जो बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की कलम का कमाल है। तो सर आज लगता है कि बैकवर्ड और मुस्लिम और दलित समाज ये एक हो रहे हैं, ये सभी आएंगे, सब एक होंगे, क्योंकि ये सभी पिट रहे हैं और जितना ये पीटेंगे ये सब इकट्ठे होंगे और इनकी सरकार फिर बनेगी, फिर क्या होगा, फिर अपने तरह से। मतलब आप एक बात समझ लीजिए, कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये हिस्सेदारी इनको देनी पड़ेगी, इनको इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।